हे फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल हेल्थी रियल वेल्थ है। तो दोस्तों, आज बात करेंगे कि डायबिटीज यदि आपकी बहुत बढ़ रही है, स्पेशली अगर आपको इंसुलिन लगाने की जरूरत पड़ रही है या आप डायबिटीज की आपकी लाइफ में शुरुआत है, तो किन चीजों का सेवन करें कि बहुत जल्दी आप इसको रिवर्स कर सकें। देखिए, आजकल जो कोरोना बीमारी जो फैली थी पिछले 2 साल में, उससे एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट हमारी इम्यूनिटी पे पड़ा। और सबसे बड़ी बात है कि जिन लोगों को कोरोना होने के बाद बहुत ज़्यादा दवाइयाँ ली हैं किसी भी परेशानी से रिलेटेड, तो ये भी आजकल साइंटिफिकली आप देखेंगे, रिसर्च में भी आ रहे हैं कि ऐसे लोगों को डायबिटीज़ की समस्या बहुत एपिडेमिक के रूप में फैल रही है। अभी आप कोरोना का साइड इफेक्ट ले लें या कुछ भी ले लें, तो आज हम उन 5 ऐसे नेचुरल पत्तों के बारे में बात करेंगे जो आपके डायबिटीज संबंधित कोई भी समस्या यदि आपको है तो उसको रिवर्स करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। तो वीडियो को अंत तक देखें और हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, क्योंकि एक ऐसी वीडियो है जो आपके रिलेटिव्स के लिए, आपके घर वालों के लिए, आसपास वालों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि रियली बहुत तेजी से एपिडेमिक के रूप में ये फैल रहा है। बड़ी बड़ी कंपनीज बहुत सारे फायदे उठाती हैं, क्योंकि कभी भी एक बार अगर डायबिटीज की शुरुआत हो जाती है, गोलियां बढ़ती जाती हैं, इंसुलिन की मात्रा बढ़ती जाती है, रिवर्स नहीं होती है। तो आज हम सिर्फ रिवर्सल के बारे में बात करेंगे कि हमें रिवर्सल कैसे करना है। पहली बात है, डाइट पे सही ढंग से कंट्रोल करें, बहुत ज़्यादा मीठा ना खाएं, नॉर्मल डाइट लें। शाम 7 या 8 बजे के बाद खाना या अनाज वाली चीज़ें ना लें। अपने फूड में अनाज को थोड़ा सा कम करें, फ्रूट, फ्रेश वेजिटेबल्स, सैलड्स का प्रयोग थोड़ा ज़्यादा करें। इसके अलावा 1/2 घंटे से 1 घंटे के बीच वॉक या एक्सरसाइज जरूर करें। अब बात करते हैं उन 5 पत्तियों की जो आपके डायबिटीज को बहुत हद तक रिवर्स कर सकती है। तो जो पहली चीज है उनमें, वो है गिलोय। देखिए, गिलोय का प्रयोग कोरोना काल में भी बहुत ज्यादा किया गया था। ये एक ऐसी औषधि है जो आपके शरीर की बहुत सारी बीमारियों को दूर कर सकती है। सबसे बड़ी बात है, बुखार में भी ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। लेकिन यदि बात की जाए शुगर की, तो शुगर में ब्लड शुगर लेवल को कम करने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें एंटी हाइपर ग्लाइसेमिक पाया जाता है, जो कि ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको गिलोय की जो स्टेम आती है, मतलब जो उनके पत्ते आते हैं, उनमें जो वो लताएँ होती हैं, जो स्टेम होती हैं, उनको छोटी छोटी डंडियां आपको लेनी है और उनको बॉयल कर लेना है। यदि आपको वो ताजी नहीं मिले तो वो मार्केट में इजीली पंसारी की दुकान पे उनके डंडे अवेलेबल होते हैं। आप उनको 5 से 6 लें, उबालें, जब वो आधा हो जाए, मतलब 1 कप पानी को आप आधा कर लें, जब वो 1/2 कप हो जाए तो आप उसको डेली अपनी लाइफ में 1 बार ज़रूर शामिल करें। ये आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करेगा। जिनका डायबिटीज़ बढ़ चुका है उसको भी कंट्रोल करने में, खासकर जिन लोगों को आप देखेंगे इंसुलिन की मात्रा बहुत ज़्यादा लगती है, उनके डोजेस को धीरे धीरे ये कम करने लगता है। इसके अलावा योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज तो आपको करनी है, लेकिन इस चीज़ का सेवन आपको जरूर करना है। दूसरी महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो है मोरिंगा लीव्स। मोरिंगा मीन्स सहजन की जो पत्तियाँ होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती हैं। इनके अंदर भी एक ऐसा गुण पाया जाता है जो कि आपके जो ब्लड शुगर लेवल जो बहुत बढ़ जाता है उसको कम करने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती हैं। तो इसके लिए एक चीज़ का ध्यान रखना है कि डायरेक्टली इन पत्तियों का प्रयोग नहीं करना है। इसके टैबलेट्स या उसके चूर्ण आते हैं मार्केट में, आप उसका प्रयोग दिन भर में 1 बार करें, निश्चित रूप से डायबिटीज में आपको बहुत हेल्पफुल होगी। तीसरी जो चीज है वो है नीम की पत्तियां। देखिए, नीम की पत्ती में सब कोई जानते हैं कि बहुत ज्यादा एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, बहुत सारे गुण होते हैं। लेकिन यदि सुबह सुबह आप खाली पेट 5 से 7 पत्तियां, विशेष रूप से जो इनके कोमल पत्ते, जो ऊपर के जो कोपले होते हैं, यदि आप उनको 5-7 पत्ते चबाकर खा जाए, या उनको बिल्कुल आप क्रश कर ले, थोड़ा सा हल्दी डाल दे, थोड़ी सी काली मिर्च डाल दे, एक गोली सी आप पेड़े से बना लीजिए छोटे छोटे, और आप इन्हें फ्रिज में भी रख सकते हैं 2-3 दिन के लिए, और सुबह सबसे पहले खाली पेट आप इसको लें और उसके बाद गर्म पानी पी लें। ये धीरे धीरे आपकी डायबिटीज़ को, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को सही करेगा, डायबिटीज़ को कम करेगा, ब्लड शुगर लेवल को कम करने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है।
इसके अलावा यदि बात की जाए चौथी चीज की तो वो है अश्वगंधा। अश्वगंधा का प्रयोग देखिए शरीर की एनर्जी को बढ़ाने के लिए किया जाता है, लेकिन अश्वगंधा की जो पत्तियां होती हैं उनमें भी एक ऐसे गुण पाए जाते हैं जो कि आपके ब्लड शुगर लेवल को बहुत हद तक नियंत्रित रखती हैं। तो आप अश्वगंधा की जो पत्तियां आती हैं उनको डायरेक्ट ना लेने के बजाय कोशिश करें, इनके टैबलेट्स भी आते हैं, इनका चूर्ण आता है, थोड़ा सा इसका चूर्ण लेना शुरू करें। ये आपकी डायबिटीज में आपको हेल्प तो करेगी ही करेगी, आपके शरीर का जो स्टैमिना है उसको भी बढ़ाने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी। और पांचवी और आखिरी जो चीज़ और बहुत ज़्यादा फायदेमंद है वो है एलोवेरा का जूस। देखिए एलोवेरा का जो जूस होता है वो फेस के लिए, आपकी बॉडी के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद। एलोवेरा में एस्मिनिन नाम का एक तत्व होता है जो कि हाइपोग्लाइसेमिक ग्लूकोज को कम करता है। तो यदि आप एलोवेरा का सेवन अपने भोजन में डेली करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी और खासकर ब्लड शुगर लेवल को कम करने में बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प मिलेगी। तो आप इनमें से एक या दो चीज़ों का सेवन ज़रूर करें, एटलीस्ट गिलोय का तो सेवन ज़रूर करें ही करें, नीम के पत्ते का प्रयोग करें, साथ ही साथ दूसरे अन्य चीज़ों का प्रयोग के साथ साथ अपने खान पान पर नियंत्रण रखें, एक्सरसाइज को अपने जीवन का एक नियम बना लें। इसके अलावा भुने चने का सेवन दिन में एक बार जरूर करें। यदि आप इन चीज़ों का परहेज करते हुए इन चीज़ों का सेवन करते हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया है, निश्चित रूप से आपकी डायबिटीज़ में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों आशा करती हूँ ये वीडियो कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो इस मित्र से शेयर करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाएं। तो फिर मिलते हैं तब तक के लिए, नमस्कार।